सो गाइस, वेलकम टू शबी फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जो काफ़ी लोग ने रिक्वेस्ट की है चिकन बिरयानी बनाने के लिए। सो ये हमने ले लिया आधा से पौना किलो तक का चिकन, जो हमने साफ करके वॉश करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने आलू फ्राई कर ली है, प्याज हमने गोल्डन ब्राउन कर रहा है, और टमाटर काट लिया है, धनिया पुदीना और हरी मिर्ची काट ली है। ये हमने आधा से पौना किलो चावल भिगो के रख दिए, बिकॉज भिगो के रखेंगे तो बेटर है। ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है, मसाला सारे ड्राई मसाला है, ये हमारा सारे ड्राई मसाले हैं, जिसमें धनिया है, मिर्ची है और गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, अदरक लहसुन पेस्ट है, लाल मिर्ची है, आलू बुखारा है जो मेन है इसमें, ठीक है। और हमने यहाँ पर अदरक लहसुन पिसा हुआ रखा है। अभी हम पहले चावल भगा लेंगे, जो हमको सबसे पहले चावल की ज़रूरत है। तो हमने पहले से ये यूटेंसिल को हमने गर्म होने रख दिया है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। हम खाली जीरा थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉटे करने के बाद हमें जितना भी पानी नमक मैंने चावल में डाल रखा था, जिसे पानी सफिशिएंट नहीं है तो आप और डाल सकते हो पानी। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर पर रख देंगे। जैसे आपने देखा हमने चावल रख दिया है, तो हम इस चिकन में हम तो मैरिनेट कर सकते हैं। और इसमें हम पहले डालेंगे सारे टमाटर, कड़ी पत्ता, कोथमीर, धनिया, हम थोड़ा मिंट छोड़ देंगे, रख देंगे, सारी हरी मिर्ची, प्याज जो है मैं लास्ट में डालेंगे, जितने भी ड्राई मसाले हैं आप देख सकते हो, सारे ड्राई मसाले हम डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बिकॉज इसका पेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, कर्ड लेना है। ये हम घर में ही जमाते हैं कर्ड, हम बाजार से नहीं लाते कर्ड, तो ये इसकी खटास ज़्यादा चाहिए हमें। थोड़ी सी सौंफ डालना है, ये जो मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो मैं हर बिरयानी में डालती हूँ, केसर, जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम जब भी जाते हैं तो हम केसर लेते हैं, या हमारे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जाते हैं तो हम केसर ज़रूर मंगवाते हैं। तो ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है बिरयानी में, सब ऊपर से डालते हैं बट मैं अंदर डालती हूँ। इसको हम मिक्स कर देंगे। हम थोड़ा सा अभी इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा चूर के, थोड़ी हम छोड़ देंगे प्याज को, आलू जो है वो लास्ट में डालेंगे। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली।
अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको कर्ड वगैरह कम दिखे तो आप ऐड कर सकते हो, वैसे कम नहीं है, सब प्रॉपर है। अभी हमने जैसे टप पतीली रख दी है गरम होने, और हम ये चिकन भी मिक्स कर रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं। आप इसको एक दो घंटा मैरिनेट करके छोड़ दें तो बेटर रहेगा। वैसे जैसे मैं आपको बताना है तो मैं मैरिनेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ये गरम हो चुका है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हो कितना ऑयल डाला है। हम ऑयल गरम होने छोड़ दिए, थोड़ा टाइम गरम हो जाएगा तो वो बेटर है। आप ऐसे देख सकते हो गरम हो गया। जैसे आप देख सकते हो हमने इसमें इस मैरिनेशन में चिकन की हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, बट जैसे मैंने कहा है आपको कि अदरक लहसुन का टेस्ट ज्यादा आना चाहिए, तो मैं ये तेल में और अदरक लहसुन डालूंगी। जब आप देखोगे अदरक लहसुन का जो पेस्ट थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा जलाना है हमें ये पेस्ट को, फिर मैं ये चिकन का जो मैरिनेशन है वो इसमें डालूंगी। तो क्या ये जो तड़का वाला है उसका अलग फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है माशाल्लाह। आप देखिए मसाला बच गया है इसमें, थोड़ा हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। कितना दूध जाएगा इसमें, ये एक हाफ कप जो दूध है। अभी हम इसको और मिक्स करेंगे। हमने आगे साथ में देखा इसमें हमने दूध ऐड किया है, हम इसको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है। और इसमें हमने कर्ड डाला है, दही आई मीन कर्ड डाला है, टमाटो डाला है, वो सब अपना पानी खुद छोड़ेगा। और हमने दूध तो ऐड कर ही लिया है, कल हम आपको मिलते ही जब गल जाएगा चिकन हमारा, हम उसके बाद में इसे स्लो पे ढक्कन लगा के रख देते हैं जब तक हमारा चिकन नहीं गलता है। हेलो गाइस, तो हम देखते हैं हमारी चिकन गली के नहीं। जैसे हम देख सकते हो कि काफी पानी छोड़ दिया है चिकन में।
एकदम गल गई है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमारा पानी है, ठीक है। तो हम इसी में हम अपना आलू छोड़ देंगे। तो इसी पानी में हमारा ये आलू, जितना थोड़ा सा फ्राइड आलू है, जितना इस पानी में है उस पानी में हमारा आलू भी गल जाएगा और पानी भी रिड्यूस हो जाएगा। हमको चिकन एकदम नहीं गलानी है, क्योंकि जब हम लेयर्स लगाएंगे तो उसमें टूटना नहीं चाहिए, हमें वो ध्यान रखना है। ये हमने देखा हमारी चिकन हो गई है, थोड़ा सा कसर है, जो आलू गलेगी तो उसमें भी हो जाएगी। इसको हम ढक के रख सकते हैं। हम देखते हैं हमारे चावल का क्या हाल है। जैसे आप देख सकते हो हमारा चावल भी हो चुका है ऑलमोस्ट। एक तनी पे रहने देना है हमें। ये ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा चावल। तो हम चावल का गैस बंद कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें लेयर्स लगानी है। ये हमने थोड़े से दूध में केसर भिगो के रखा है। आप जैसे देख सकते हैं, हम जब लेयर्स लगाएंगे तब हम ये केसर वाला दूध डालेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा पानी भी सूख गया है, हमारा आलू भी गल गया है। हमको आलू भी पूरा नहीं गलाना है, क्योंकि जब हम तेल जमाएंगे लेयर्स लगाएंगे तो ये आलू हमारा तब उसमें ही गल जाएगा। सब देख सकते हो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो हमारा ये चले गए चम्मच इसके अंदर रखने से, उनको थोड़ा सा रखना है। जब हम दम पे रखेंगे चावल लेयर्स लगाकर तब ये उसमें हो जाएगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा ये भूनना है अच्छे से। आप देख सकते हो मैंने चावल की पार्टीशन कर दी, पार्ट कर दिए हैं। आधे चावल यहाँ पर है और आधे चावल इस टोक के अंदर है। आप देख सकते हो पानी पूरा सूख चुका है। अब जो भी वो तेल और चिकन और आलू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये तवा रख दिया दम के लिए। ये तवा रख दिया हमने दम के लिए। इसको हम स्लो कर देंगे फ्लेम को, और ये जो टोप है हम इसके ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने इतनी पतली लेयर रखी है, और ये अलग से चावल हमने निकाल दिया था। ये स्लो पे गैस है। जो हमारा चिकन है जो हो चुका है, हम वो इस लेयर्स में डालेंगे। इस चिकन के जब ग्रेवी बन रही थी, मैंने आपको बताना भूल गई रिकॉर्ड करना, कि मैंने उसमें बीच में घी ऐड की थी, असली घी। तो ये बिरयानी सिर्फ तेल की नहीं बनती है, घी और तेल दोनों के साथ में बनती है। जैसे आप देख सकते हो ये हमने लेयर्स डाल दिए चिकन का। इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन अनियन ऐड करेंगे, और ये मिंट ऐड करेंगे। जो बाकी के मिंट ऐड करेंगे, और जो बाकी की राइस है वो इसमें डालेंगे। जो हमारा ये इसमें चले जाएगा, तो हम ये जो केसर का जो हमने बना के रखे बैटर केसर, वो हम इसमें डाल देंगे।
इसमें थोड़ा और दूध ऐड कर रहे हैं। सारे केसर इसमें जा चुके हैं। इसके बाद ये आती है केवड़ा। केवड़ा हमें बहुत कम डालना है। जैसे बहुत से लोग ये ब्राउन ऑनियन भी इसमें डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी बिकॉज किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को पसंद नहीं है। मैंने देखा है अक्सर कि इसमें डाल के जब दम पे लाते हैं तो ये सौगी हो जाता है ब्राउन ऑनियन। तो हम क्या करते हैं, जिसको चाहिए खाने के लिए वो अपनी प्लेट पे खुद डालते हैं और खाते हैं। तो मुझे मिंट का फ्लेवर काफी पसंद है तो मैंने बीच में ये मिंट डाल दिया। इसको हम फॉइल से पैक करेंगे। फुल सील कर देंगे हम फॉइल से। उसके ऊपर इसके लिए ढक्कन रख देंगे सो दैट उसके अंदर के जो फ्लेवर्स है वो बाहर ना आए। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लाएंगे। जैसे आप देखते हो कि 15 मिनट हो चुका है हमारे इस बिरयानी को दम पे आए हुए, तो हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम खोल के देखेंगे इसका क्या हाल है। वाह, फ्लेवर तो काफी अच्छा आ रहा है। जैसे हम देख सकते हो हम इसके ऊपर ये गार्निश करेंगे प्याज से और पुदीने से। ये आपकी चिकन बिरयानी हो गई है तैयार। ये आपको कैसे लगा आप हमें बताइए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाने भूलिएगा नहीं। दिस इज स्पेशली मेड फॉर ऑल माय लवली फ्रेंड्स who like miss my chicken biryani, so this is for you all। आप लोग भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।